किसी भी टाइम कुछ भी वायरल हो जाता है, जैसा कि ये वीडियो देख सकते हैं, जिस्म भी जख्मी है। ये सॉन्ग टिकटॉक पे काफी ज्यादा ट्रेंड में आ चुका है। इस वीडियो पे 10 घंटे में 10 मिलियन व्यूज आ चुका है। यदि आप इस टाइप के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफी ज्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकता है। तो इस टाइप के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं? इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पे आपको हाथ में कुछ कलर ले लेना है, कुछ इस तरह से आपको थोड़ी बहुत यहाँ पर कलर का उपयोग करना होगा। इसके बाद कलर आपको लेने के बाद यहाँ पे तीन तरह के वीडियो आपको शूट करना है, जैसा कि आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है। जब आपका तीन पार्ट में वीडियो शूट हो जाएंगे तो शूट करने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काइनवास्ट एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे दिया गया है, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे और वहां पे मैं बताऊंगा कहां पे आपको स्लो मोशन यूज करना है और कहां पे आपको फास्ट मोशन यूज करना है और साउंड को कैसे ऐड करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से विदाउट वाटरमार्क काइनवास्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद आपने जो वीडियो शूट कर रखे हैं, तीन वीडियो अलग अलग पार्ट में, उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हो तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट का वीडियो मेरा कुछ इस तरह से शूट किया गया। सिंपल आपको करना क्या है, शॉर्ट एक पहन लेना है। शॉर्ट पे आपको ऊपर के बटन को आपको खोल देना है, ठीक है, कुछ नीचे की तरफ करना है और हाथ में आपको कलर कुछ इस टाइप के ले लेना है और इस तरह से एडिटिंग करना है, या फिर आप इससे बेहतरीन भी एडिटिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से शूट किया गया है, सिंपल आपको कुछ इस तरह से शूट कर लेना है। और सेकेंड पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से शूट कर लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा सेकेंड पार्ट का वीडियो भी शूट हो चुका है। इसके बाद थर्ड पार्ट में आना है और आपका देख सकते हैं थर्ड पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से शूट कर लेना है। तो आपको जब तीन पार्ट का वीडियो आपका शूट हो जाएंगे, जब आपका तीन पार्ट का वीडियो शूट हो जाएंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और ओरिजिनल साउंड को आपको म्यूट कर देना है। सारे वीडियो को पहले साउंड को मैं म्यूट कर देता हूँ। म्यूट करने के बाद लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे रखा हूँ, उस वीडियो को सेलेक्ट करना है और कैंची के निशान पर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है। इससे क्या होगा, वीडियो में जो भी ऑडियो है वो आपका बाहर आ जाएंगे। वीडियो पे क्लिक करना है, इसे आपको डिलीट कर लेना है। ये वीडियो फिलहाल में ही ट्रेंडिंग में आया है, इस वीडियो पे वन डे में 10 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। यदि आप इस टाइप के वीडियो बनाएंगे तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने तो कर दिया हूँ, तो आपको करना कि कहाँ पर आपको स्लो मोशन ऐड करना है, कहाँ पर आपको फास्ट मोशन ऐड करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो सिंपल मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि हमारे स्टार्टिंग का पार्ट है, हम नॉर्मल रखना है और यहाँ से जैसे कि हम हाथ नीचे की तरफ कर रहा है, नीचे की तरफ कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको स्लो मोशन करना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और स्पीड टू प्ले इट कर देंगे। वीडियो आपको देख सकते हैं टू पार्ट में डिवाइड हो चुका है। अगर इस वीडियो को आपको स्लो मोशन करना है, सिंपल वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, इसके बाद स्पीड कंट्रोल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको 0.5 सेलेक्ट कर लेना है और ये आपका वीडियो स्लो मो में हो जाएंगे। देख सकते हैं आपको काफ़ी बेहतरीन लग रहा है वीडियो देखने में। तो इस तरह से आपको स्लो मोशन में कर देना है। आपको फिर हमारा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में वीडियो देख सकते हैं, फर्स्ट नॉर्मल है, इसके बाद सेकेंड हमारा स्लो मोशन में आ गया। तो फर्स्ट पार्ट का वीडियो हमारा यहाँ पर तैयार हो चुका है। सेकेंड पार्ट में देख सकते हैं, स्टार्टिंग का पार्ट नॉर्मल रखना है और इसके बाद लास्ट का पार्ट का स्लो मोशन करना है। तो सिंपल फिर से हम स्पीड टू प्ले कर देंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको स्लो मोशन कर देंगे। तो यहाँ पे आपको 0.5 रहने देना है, ठीक है। सिंपल ये वीडियो आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, स्लो मोशन में हो चुका है। इसके बाद आप देख सकते हैं क्या करना है, थर्ड पार्ट में आ गया, हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। लास्ट में आपको स्लो मोशन करना है, तो सिंपल फिर से हमें स्पीड टू प्ले इट करेंगे और यहाँ पर स्पीड कंट्रोल पर आने के बाद 0.5 कर देंगे। तो यहाँ पर वीडियो आपका स्लो मोशन हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो में पहले स्टार्टिंग में जो पार्ट आपको एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको कैसे रिमूव करना है, तो मैं सिर्फ आपको एक वीडियो में बता देता हूँ। इसी तरह से आपको सारे वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। मान लो ये हमारा वीडियो है, तो सिंपल इस वीडियो में कुछ पार्ट जब हम वीडियो शूट करेंगे तो हमारे वीडियो में कुछ पार्ट एक्स्ट्रा भी शूट हो जाते हैं। तो आपको एक से दो बार प्ले कर देख लेना है हमारा वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सिंपल मान लो कि आपका यहाँ से वीडियो स्टार्ट हो रहा है, वीडियो क्लियर पर क्लिक कर देना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है और ट्रिम टूल लेफ्ट कर देना है। इससे क्या होगा, लेफ्ट साइड का पार्ट जो भी एक्स्ट्रा था, एक्स्ट्रा पार्ट आपको रिमूव हो जाएगा। यदि आपको राइट साइड का पार्ट कुछ एक्स्ट्रा है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टूल राइट कर देंगे।
इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको इस तरह से सारे पार्ट में से जो तीन वीडियो आपने शूट कर रखे अलग अलग पार्ट में, सारे पार्ट को आपको रिमूव कर देना है, एक्स्ट्रा पार्ट को। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आपको फर्स्ट पार्ट का वीडियो शूट हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो आपको सेकेंड पार्ट का वीडियो शूट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि आपको पता है फर्स्ट पार्ट का वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और सेकेंड पार्ट का वीडियो स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आपको फिल्टर ऐड करना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है, बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है और इस वाइट कलर को कुछ इस तरह से जूम कर लेना है और इसे आपको बिल्कुल लास्ट कर देना है, कुछ इस तरह से हल्का छोटा कर देना है, बिल्कुल छोटा कर देना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आना है आउट एनिमेशन में और यहाँ पे आपको फिल्टर कर देना है, तो ये कुछ आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का हमारा हो चुका है, इसके बाद फिर से इसका वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है या फिर सेकेंड पार्ट का वीडियो हमारा ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो रहा है तो लेयर पर आएंगे, मीडिया पर आएंगे, फिर से हमें वही फिल्टर ऐड कर लेना है कुछ इस तरह से, फिर से हम आउट एनिमेशन में जाएंगे, फिल्टर पे क्लिक करेंगे, इसे आपको लास्ट कर देना है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, वीडियो पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डुप्लीकेट ले लेना है और इस वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है, तो कुछ इस तरह से आप भी फिल्टर ऐड कर सकते हैं। और हमारा वीडियो पूरी तरह से तैयार हो चुका है, तो आपको देखना क्या, अगर एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट लास्ट में कुछ है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको ट्रिम टू राइट कर देना है, तो वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और लास्ट पॉइंट पर आना है और ट्रिम टू राइट कर देना है और हमारा वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसके बाद क्या करना है, मैंने ऑलरेडी साउंड ऐड कर चुका हूँ, लेकिन अब क्या होगा इसमें लास्ट का हमारा साउंड जब हम वीडियो प्ले करते हैं या ख़त्म होता है तो हमारा साउंड स्लो हो जाता है। सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है और आपका वीडियो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैंने एक साउंड लिंक भी दे दूंगा, उसी वीडियो का साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलेंस चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।